हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट वर्किंग कैपिटल। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट फिक्स्ड कैपिटल एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज़ द कैपिटल विच इज़ यूज्ड टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए जो कैपिटल यूज़ किया जाता है उस कैपिटल को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं? सो एक बिजनेस एंटरप्राइज को एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, लीगल फीस, अकाउंटिंग फीस, रिपेयर मेंटेनेंस, टेलीफोन बिल्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, ये सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है और इन सारों के पेमेंट्स करने होते हैं। डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के पेमेंट करने होते हैं और ये सारे पेमेंट करने के लिए जो कैपिटल यूज़ किया जाता है उस कैपिटल को कहा जाएगा वर्किंग कैपिटल। आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फॉर्म, इट इज़ नेसेसरी टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट वुड बी नीडेड टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। सो बिजनेस एंटरप्रेन्योर पहले फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिसाइड करता है और उसके बाद में अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए वो वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, कितने वर्किंग कैपिटल की उसको ज़रूरत रहेगी, इसका अंदाज़ा निकालता है, इसका एस्टिमेट फिगर वो निकालता है। अ बिजनेस फर्म रिक्वायर्स फंड टू स्टोर एडिक्वेट रॉ मटेरियल इन स्टॉक। अ फर्म वुड नीड कैपिटल टू मेंटेन सफिशियंट स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एक बिजनेस एंटरप्राइज को फंड की ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल को एडवांस में खरीद के उसका स्टॉक मेंटेन करने के लिए। अगर रॉ मटेरियल सफिशियंट नहीं है सो उसका फिर प्रोडक्शन प्रोसेस अफेक्ट हो जाएगा। सो प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चले, प्रोडक्शन एक्टिविटी स्मूथली चले, इसलिए वो रॉ मटेरियल एडिक्वेट क्वांटिटी में स्टॉक में खरीद के रखता है और इस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए जो फंड लगता है दैट फंड इज़ नोन एज वर्किंग कैपिटल। साथ ही में एक फर्म को फिनिश गुड्स का भी स्टॉक प्रॉपरली मेंटेन करना होता है, मार्केट में उसके प्रोडक्ट की शॉर्टेज ना हो और कंज्यूमर्स इम्प्रॉपर रिस्पॉन्ड ना करें ड्यू टू लैक ऑफ या इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ गुड्स, फिनिश गुड्स। इसलिए बिजनेस फर्म को अपने फिनिश गुड्स का स्टॉक भी प्रॉपरली मेंटेन करना होता है, तो इसके लिए भी उसको पैसे की ज़रूरत होती है। इस फंड को, इस कैपिटल को भी हम वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। सो ऐसा कैपिटल जो हेल्प करता है फिनिश गुड्स का स्टॉक मेंटेन करने के लिए उस कैपिटल को भी वर्किंग कैपिटल कहेंगे। इन एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स आर सोल्ड आउट इन कैश और ऑन क्रेडिट। गुड्स sold on credit do not fetch cash immediately. Firm will have to arrange for funds till the amount is collected from the debtors. Business firm अपना जो commodity produce करके बेचते हैं वो commodity बहुत सी बार cash में और बहुत सी बार credit यानी उधारी में बेचते हैं। तो जब वो commodity को उधारी में बेचते हैं तो तुरंत उनके पास cash नहीं आती और ऐसे केस में उनको कैश का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जब वो कमोडिटीज़ को क्रेडिट में यानी उधारी पे बेचते हैं तो डेटर से उनको कैश कलेक्ट करने के लिए कुछ टाइम लगता है, कुछ समय या कुछ पीरियड उनको देना पड़ता है डेटर को कैश का पेमेंट करने के लिए। और ऐसे समय पे जब तक डेटर उस कैश की पेमेंट नहीं करता है उस बिजनेस एंटरप्राइज को अपने डे टू डे रूटीन को स्मूथली चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, ओवरहेड्स को पे करने के लिए उसको कैश की ज़रूरत होती है और ऐसे समय पे ये वर्किंग कैपिटल उसको हेल्पफुल होता है उसके डे टू डे रूटीन को स्मूथली चलाने के लिए, क्योंकि जो माल उसने बेचा उसका पैसा उसके डेटर के पास अटका हुआ है और जब तक वो डेटर इस पैसे को नहीं देता है तब तक इस बिजनेस एंटरप्राइज को अपनी कैश की अरेंजमेंट खुद करनी होती है वर्किंग कैपिटल के थ्रू। सिंस अनसर्टेंटी इज ऑलवेज अ फीचर ऑफ बिजनेस, सम एक्सेस कैश ऑल्सो शुड बी मेंटेन टू मीट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस।
बिज़नेस अपने आप में अनसर्टन है। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि बिज़नेस में कभी भी कोई भी अनसर्टनटी आ सकती है, और ऐसे केस में अनएक्सपेक्टेड खर्चे, अनएक्सपेक्टेड लॉस को बियर करने के लिए एक्सेस कैश हमेशा बिज़नेस एंटरप्राइज के पास में होनी चाहिए। यहाँ पर हमने देखा कि कैश ओवरहेड्स के पेमेंट के लिए भी लगती हैं। ओवरहेड्स क्या होता है? सो ओवरहेड मींस इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंसेस इन रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूड्स अकाउंटिंग फीस, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, लीगल फीस, रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस, टेलीफोन बिल्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। सो ये सारे जो बिजनेस के खर्चे हैं, इसको ही इनडायरेक्ट कॉस्ट बोला है, इसी को ओवरहेड्स बोला है। तो इनके पेमेंट के लिए भी कैश की ज़रूरत होती है, और ये कैश प्रोवाइड होती है वर्किंग कैपिटल के थ्रू। दस अ बिजनेस फर्म विल हैव टू अरेंज कैपिटल फॉर द फॉलोइंग: फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंट्रीज, फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक बिजनेस एंटरप्राइज को, बिजनेस फर्म को अपना वर्किंग कैपिटल नीचे दिए हुए कारणों के लिए अरेंज करके रखना पड़ता है। इन्वेंट्रीज को बिल्डअप करने के लिए, इन्वेंट्रीज आ गया रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, जब तक माल बेचा नहीं जाता तब तक वो इन्वेंट्रीज कहलाएगा। एक बार वो बेच गया, बिक गया, तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। सो रॉ मटेरियल को खरीदी करने के लिए, सेमी प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए, सेमी फिनिश गुड्स को मेंटेन करने के लिए जो पैसा लगेगा वो वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, एंड लास्ट वन इज़ टू फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगेन यही जो हमने ऊपर देखे, ओवरहेड्स, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट फी, लीगल फीस, एडवर्टाइजिंग, ये सारे खर्चे करने के लिए वर्किंग कैपिटल बिजनेस एंटरप्राइज को मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस असेट इज रेफर्ड एज वर्किंग कैपिटल। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज व्यूड डिफरेंटली बाय लीडिंग अथॉरिटीज। सम अथॉरिटीज कंसिडर वर्किंग कैपिटल एज इक्विवेलेंट टू एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लाइबिलिटीज। तो हमने अभी देखा कि जो कैपिटल डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ को करने के लिए या रूटीन फंक्शनिंग स्मूथली चलने के लिए यूज़ किया जाता है, उस कैपिटल को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। लेकिन कुछ लीडिंग अथॉरिटीज़ है जिन्होंने अपना डिफरेंट व्यू रखा, उनके हिसाब से वर्किंग कैपिटल होता है एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लाइबिलिटीज़। यहाँ पर करंट असेट यानी क्या? तो ऐसी असेट जो विद इन वन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, उन असेट को करंट असेट कहा जाता है। और करंट लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ है जो विद इन वन ईयर पे करके क्लियर हो जाएगी, उन लाइबिलिटीज़ को करंट लाइबिलिटीज़ कहा गया है। तो बिजनेस एंटरप्राइज के पास में करंट असेट ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी करंट लाइबिलिटीज़ कम होनी चाहिए। तो ये जो एक्सेस रहेगा करंट असेट का ओवर करंट लाइबिलिटी, इसको उन्होंने वर्किंग कैपिटल बोला है। अब आगे हम देखते हैं साइक्लिक फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल। अ बिजनेस फर्म नीड्स फंड टू फिनेंस इट्स वर्किंग कैपिटल नीड्स। प्रोमिनेंट शेयर ऑफ दिस फंड इज यूज्ड टू बाय रॉ मटेरियल एंड रिमेनिंग पार्ट इज केप्ट अवेलेबल टू पे वेजेस एंड एक्सपेंडिचर। हमने अभी देखा कि वर्किंग कैपिटल बहुत सारे इम्पॉर्टेंट खर्चे करने के लिए, ओवरहेड्स के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसी वर्किंग कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा रॉ मटेरियल को खरीदी करने के लिए यूज़ किया जाता है, और बचा हुआ हिस्सा अलग अलग पेमेंट करने के लिए किया जाता है। सो जब ये वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, तब वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत जो कैश है वो कन्वर्ट हो जाएगी इन्वेंट्री में। दस द वर्किंग कैपिटल विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ कैश इज़ कन्वर्टेड इन टू इन्वेंट्री। जब वर्किंग कैपिटल
रॉ मटेरियल खरीदने के लिए यूज़ किया जाएगा तो कैश कन्वर्ट हो जाएगा इन्वेंट्री में. द रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू वर्क इन प्रोग्रेस एंड देन टू फिनिश प्रोडक्ट्स और फिनिश गुड्स. यही रॉ मटेरियल जब इस पर प्रोसेसिंग होगी तो ये वर्क इन प्रोग्रेस और लास्ट में ये फिनिश गुड्स बन जाएगा. विद द सेल ऑफ फिनिश गुड्स दे टर्न इनटू अकाउंट रिसीवेबल्स प्रिज्यूमिंग द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस. सो हमने देखा कि वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल को खरीदी करने में यूज़ किया गया, सो कैश कन्वर्ट हो गया इन्वेंट्री में. फिर इस रॉ मटेरियल पे प्रोसेसिंग हुई और वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ. जब इस फिनिश गुड्स को सेल किया गया तो सेल करने पे अगर इसका क्रेडिट में नहीं सेल होता है तो डेटर के पास से पैसा आएगा तो वो बन जाएगा अकाउंट रिसीवेबल. क्रेडिट सेल में अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा डेटर के पास में. नॉर्मली अकाउंट रिसीवेबल हैव मैच्योरिटीज ऑफ स्पेसिफिक डेट्स आफ्टर बिलिंग डेट. और ये जो अकाउंट रिसीवेबल है ये तुरंत नहीं मिलती, इसकी एक मैच्योरिटी डेट होती है 2 महीने 3 महीने की. उस पीरियड के बाद ये अकाउंट रिसीवेबल का पैसा डेटर देता है क्रेडिटर को. कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल ब्रिंग्स बैक द साइकिल टू द कैश. और ये क्रेडिट में बेचा हुआ माल जो अकाउंट रिसीवेबल बन गया, ये जब पैसा आ जाएगा तो वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी कैश की. इसको हम बोलेंगे साइकिलिक फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल. मतलब वर्किंग कैपिटल का पैसा पहले रॉ मटेरियल में यूज़ किया गया, वो इन्वेंट्री बन गया, रॉ मटेरियल से उस पर प्रोसेसिंग करके उसको फिनिश गुड्स बनाया गया और उसको सेल किया गया. सेल क्रेडिट पे किया गया इसलिए कैश तुरंत नहीं आई बल्कि वो डेटर के पास गई, जिसको हम रिसीवेबल बोलेंगे. डेटर कुछ समय बाद में इस रिसीवेबल का पैसा देगा और वो कैश फिर से क्रेडिटर के पास आ जाएगी या हम बोलेंगे सेलर के पास आ जाएगी. तो इस तरह से वर्किंग कैपिटल का ये कैश का जो सर्कल है ये कंप्लीट होता है. सो आज का हमारा ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है. नेक्स्ट सेशन में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट स्टडी करेंगे. थैंक यू.